सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा, आज हम जानेंगे एच निशान के बारे में। ये एक ऐसा निशान है दोस्तों जिसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि ये रेयर है या फिर बहुत कम लोगों के हाथ में बनता है। जी नहीं, ये एक ऐसा निशान है जो हर तीसरे व्यक्ति के हाथ में पाया जाता है। पर हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो ये निशान देखा कैसे जाता है और इस निशान का फ़ायदा कब और कैसे होगा आपके जीवन में। क्या कोई बड़ा बदलाव आता है इस निशान के होने से? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगा हर सवाल का जवाब। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी बात दोस्तों जो आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको कोई वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए तो कृपया ना करें। और ये बात हमने अपने पहले की वीडियोस में भी बताई है, पर फिर भी कुछ लोग इन नंबर के द्वारा उनके पास चले जाते हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो कृपया इनसे बचना है। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप हमें वहाँ फॉलो कीजिए। और इसी के साथ, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखना है। जिस निशान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, इस निशान के बारे में हमने जानकारी दी थी लास्ट टाइम, वो था साल 2018 का और अब चल रहा है 2020, तो बीच में काफ़ी लंबा गैप आ चुका है। और उस टाइम पे हमारे सब्सक्राइबर्स भी लगभग 30,000 ही थे और अब तो हमारी फैमिली जो है 4,20,000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। तो हमारे नए सब्सक्राइबर्स को इस निशान के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आज हम जानेंगे विस्तार से इस निशान के बारे में। यहाँ पर इस निशान के बारे में जानने के लिए आपको देखनी होगी तीन मुख्य रेखाएं जो योगदान देती हैं इस निशान को बनाने में। पहली तो है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। उसके बाद आती है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। पर यहाँ पर अभी भी हमें निशान बनता नज़र नहीं आ रहा है, तो वो निशान कैसे बनेगा उसके लिए आपको देखनी है अपनी फेट लाइन, जिसे भाग्य रेखा भी कह देते हैं, जो आपकी मिडिल फिंगर शनि पर्वत से निकलती हुई जाए नीचे, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि एच साइन की आकृति बनती है। तो दोस्तों, ये जो निशान है कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि जो आपकी भाग्य रेखा है वो कुछ इस प्रकार आई और बीच में से टूट गई, या फिर आपकी भाग्य रेखा नीचे से तो कंप्लीट है पर यहीं पर आके रुक गई, मतलब कि आपके शनि पर्वत तक नहीं पहुंची है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि दोष मुक्त भाग्य रेखा आपके शनि पर्वत तक जानी चाहिए। तो अगर इस प्रकार से रेखाएं हैं और इस निशान की आकृति बना रही हैं तो ये एक भाग्यशाली संकेत है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इस निशान से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। जैसे कि स्वभाव, जिनके हाथ में ये निशान होता है दोस्तों वो अंदर से और बाहर से एक जैसे होते हैं। कहने का भाव ये है कि जो बात मन में चल रही है वही मुख पे होती है, ये नहीं कि मुंह से मीठा मीठा बोल रहे हैं और अंदर कुछ कड़वा चल रहा है किसी के प्रति। पहली बात तो ये स्वभाव के अच्छे होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, हंसमुख होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता है, मिलनसार स्वभाव के देखे जाते हैं। तो किसी के लिए बुरा सोचना तो दूर की बात है, ये हर किसी के लिए अच्छी भावना रखते हैं। पर अगर किसी के प्रति नाराजगी है, गुस्सा है, तो ये मन में दबा के नहीं रखते बल्कि बोल देते हैं, बता देते हैं। तो जैसे कि आपको बताया, जो बात मन में है वही मुख पे है और यही इनकी सबसे बड़ी खास बात है। पर जो ये खासियत है इनके लिए कभी कभी बाधा भी बन जाती है, वो कैसे? वो है इनकी लव लाइफ के रिलेटेड। देखिए, जो लव लाइफ है आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि वहाँ पर आपको बातें जो हैं संभाल के बोलनी पड़ती हैं ताकि किसी को दुख ना हो या फिर किसी को बुरा ना लगे हमारी किसी बात का, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग जरूरी है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होना जरूरी है लव लाइफ में अगर आपको सक्सेस पानी है। पर जैसे कि आपको इनके बारे में बताया, ये अपनी मन की बात दबाते नहीं हैं, जो भी है मुख पे है एक्सप्रेस कर देते हैं, और यहीं पर दिक्कत खड़ी हो जाती है। हो सकता है अनजाने में ये कोई ऐसी बात बोल दें कि दूसरे को बुरा लगे और रिलेशनशिप में थोड़ा अनबन हो जाए, तो आपको ये संभाल के चलना है, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखें। थोड़ा बहुत देखिए, किसी को बुरा ना लगे इसलिए सच छुपाना भी पड़ सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके प्यार में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए तो अपने स्वभाव पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अब जान लेते हैं करियर के बारे में। देखिए दोस्तों, जो एच साइन है, अगर आपके हाथ में दोष मुक्त कुछ इस प्रकार बना हुआ है जैसे कि आपको बताया, तो ये निशान वाले लोग बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। पर ये योग बना कैसे? देखिए, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि अगर भाग्य रेखा आपके शनि पर्वत तक जाती है
तो यहाँ पर आपके बिजनेस के एक अच्छे खासे योग बनते हैं। पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता पाने में समय लगेगा, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको भूखा रहने नहीं देती और सफलता जल्दी पाने नहीं देती। पर अगर आप बिजनेस लाइन में हैं, आपको व्यापार में इंटरेस्ट है, तो आपको बड़ी सफलता कम समय में मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। अभी तक आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि ये जो सफलता है हमें किस उम्र तक मिल जाएगी, मतलब कि जो हम कामयाबी पाना चाहते हैं कितनी उम्र में आपको हासिल होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और 40 से कम है, मतलब कि जो ये 10 साल हैं 30 से 40 साल की उम्र के बीच में, आपको करियर में बड़ी सफलता मिलती है अगर आप बिजनेस लाइन में हैं तो। पर जब मैंने ये बात बताती तो आपकी तरफ से बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। मुझे पता है कमेंट में पूछना शुरू करेंगे कि हमारे हाथ में तो ये निशान बन रहा है जैसे आपने बताया, और उम्र भी 30 साल से ज़्यादा है, पर अभी तक तो हमें किसी प्रकार की कोई कामयाबी मिली ही नहीं। तो आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं दोस्तों। देखिए, 30 से 40 साल की उम्र जो होती है, इसके बीच में खूब सारे मौके मिलते हैं अगर आप बिजनेस लाइन में हैं। जी हाँ, अगर आप बिजनेस लाइन में हैं आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मौका संभालते हैं। अगर मौका नहीं चूका तो आपको बड़ी सफलता अवश्य मिलेगी। पर अब जॉब वालों का क्या, क्या उनको कोई सफलता ही नहीं मिलेगी? देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी मंथली इनकम पे। यहाँ पर अगर आपकी महीना ख़त्म होते होते इनकम का 10 से 5% ही बच पाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिजनेस की ओर अपना कदम बढ़ाएं, या फिर ऐसा कार्य करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। शुरुआती समय में आप जॉब कर सकते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए, पर एज ए साइड बिजनेस जरूर शुरू करें अगर आपको बड़ी सफलता पानी है, खूब सारा पैसा कमाना है। इसके बाद एक खास निशान दोस्तों जो इस हाथ में बन रहा है, शायद अभी तक आपने गौर ना किया हो कि यहाँ पर जो इनकी माइंड लाइन है और जो भाग्य रेखा आपको बताई शनि पर्वत से आ रही हो कुछ इस प्रकार, और यहाँ पर एक खास रेखा ने माइंड लाइन को निकालते हुए और यहाँ पर भाग्य रेखा को निकालते हुए बना दिया है मनी ट्रायंगल का साइन। तो ये निशान क्या है? अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप भली भांति जानते होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे ये एक ऐसा निशान है जो आपके जीवन में बनाता है बड़े धन लाभ का योग। पर वो कैसे, किस प्रकार, कितनी उम्र में, जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, विस्तार से आप जान पाएंगे। इस टॉपिक पर ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ एच निशान वालों के बारे में। अगर आपके हाथ में भी कुछ इस प्रकार से निशान बनता है और जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई मैच कर रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या अमेज़ॉन से कुछ भी मंगवाना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। ये आपका छोटा सा योगदान हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा और आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।